वेलकम टू यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एस के हेलो इज सोनाली कुमारी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ई सी ओ जीरो जीरो वन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आपके सामने है क्वेश्चन नंबर वन शॉर्ट नोट्स ये कुछ पॉइंट्स हैं शॉर्ट नोट के जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं आपको इन पॉइंट्स के लिए जरूर प्रिपेयर करना चाहिए इसके बाद है हमारे पास ये कुछ आगे के पॉइंट्स अब है क्वेश्चन नंबर टू वट इज स्टॉक एक्सचेंज डिस्क्राइब ब्रीफली इट्स वेरियस फंक्शंस स्टेट ब्रीफली द रूल्स फॉर लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज स्टेट द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज इन अ स्टॉक एक्सचेंज ये जो क्वेश्चन नंबर टू आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन इतना लेंदी नहीं आता है इसके साथ हमने एड किए हैं थ्री क्वेश्चन जो स्टॉक एक्सचेंज पर पूछे जाते हैं तो ये वो क्वेश्चन हैं सबसे पहला क्वेश्चन ये है जो फंक्शंस तक जो टेन मार्क्स के लिए पूछा जाता है दूसरा क्वेश्चन यहाँ से शुरू होकर के यहाँ खत्म होता है और तीसरा क्वेश्चन शुरू होता है स्टेट द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटीज इन अ स्टॉक एक्सचेंज तो इस तरीके से तीन क्वेश्चन स्टॉक एक्सचेंज के हमने एक साथ यहाँ पर इंक्लूड किए हैं क्वेश्चन नंबर थ्री है डिस्कस प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शन ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज आउटलाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फाइव डिस्टिंग डिस्टिंग्विस्ट बिटबिन के जितने भी पॉइंट्स पूछे जाते हैं और जो इम्पोर्टेंट है वो सभी पॉइंट्स हमने एक साथ यहाँ पर आपके लिए लिस्ट किया है इनको आप इन पॉइंट्स को जरूर प्रिपेयर करें तो ये कुछ इलेवन पॉइंट्स आपको फर्स्ट पेज पर पे दिखाई दे रहे हैं और ये आगे के पॉइंट्स हैं हमारे पास नाइनटीन पॉइंट्स हैं डिफ्रेंसीट बिटबिन के और डिस्टिंग्विस्ट बिटबिन के क्वेश्चन नंबर सिक्स है स्टेट द इम्पॉर्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इन द प्रमोशन ऑफ बिजनेस डिस्क्राइब ब्रीफली द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ चैनल क्वेश्चन नंबर सेवन है आपके सामने यू मीन बाय रिस्क मैनेजमेंट डिस्क्राइब ब्रीफली द इंस्योरेबल रिस्क एंड द नॉन इंस्योरेबल रिस्क डिस्कस वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन अर रिस्क मैनेजमेंट इन बिजनेस क्वेश्चन नंबर सेवन है आपके सामने रिस्क मैनेजमेंट को लेकर के सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि आप रिस्क मैनेजमेंट से क्या समझते हैं और इसके बाद आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है इंश्योरेबल रिस्क और नॉन इंश्योरेबल रिस्क को इसके साथ ही एक क्वेश्चन और जो रिस्क मैनेजमेंट पे पूछा जाता है वो मैं आपको बता देती हूँ क्वेश्चन ये है कि वट यू मीन बाय रिस्क मैनेजमेंट डिस्कस स स्टेप्स इन्वॉल्व इन रिस्क मैनेजमेंट इन बिजनेस टेन मार्क्स का क्वेश्चन है ये इसके बाद रिस्क मैनेजमेंट से ही ये क्वेश्चन इस तरीके का पूछा जाता है ऑल बिजनेस रिस्क आर नॉट इंश्योरेबल। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन इंश्योरेबल रिस्क एंड नॉन इंस्योरेबल रिस्क क्वेश्चन में एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ एन आइडियल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेट फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस टू फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर नाइन इन्यूमिरेट इशेंशियल्स ऑफ अ गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपको एक गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के क्या क्या इसेंशियल्स होते हैं उसे बताना है क्वेश्चन नंबर टेन है इफिसिय ट्रांसपोर्टेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ये एक स्टेटमेंट है जिसे आपको इलेबरेट करना है इसी के साथ एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है एक्सप्लेन फैक्टर्स टेकन इन टू अकाउंट वाइल सेलेक्टिंग अ प्रॉपर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर डिस्पैच ऑफ गुड्स आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर इलेवन डिफाइन एडवर्टाइजिंग मीडिया स्टेट इट्स डिफरेंट टाइप्स एंड द रिक ऑफ एन आइडियल मीडियम कैरेक्ट्रिस्टिक भी पूछा जा सकता है एक्सप्लेन द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ वेरियस एडवर्टाइजिंग मीडिया यहाँ पर आपको वेरियस एडवरटाइजिंग मीडिया के मेरिट्स और मेरिट्स बताने हैं ये क्वेश्चन अपने आप में टेन मार्क्स का है तो यहाँ पर भी हमने आपके लिए इंक्लूड कर दिए हैं दो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है वट इज कैपिटल स्ट्रक्चर डिस्कस वेरियस फैक्टर्स टू बी केप्ट इन माइंड वाइल डिसाइडिंग कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी कैपिटल स्ट्रक्चर से सिर्फ यही एक क्वेश्चन बनता है हर बार आपके एग्जाम में जितने बार भी पूछा गया है तो आपको कैपिटल स्ट्रक्चर के संदर्भ में सिर्फ इसी क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है क्वेश्चन नंबर थर्टीन है स्टेट द डॉक्यूमेंट्स दैट मस्ट अकंपनी एन एक्सपोर्ट शिपमेंट डिस्क्राइब दैम ब्रीफली वहीं पर इम्पोर्ट के लिए भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन डिफाइन टर्म बिजनेस एंड एक्सप्लेन इट्स इसेंशियल फीचर्स आपको जो ये बिजनेस टर्म है इसे आपको डिफाइन करना है और फिर इसके इसेंशियल फीचर्स बताने हैं इसके साथ एक और क्वेश्चन हमने जो ऐड किया है वो है डिफाइन बिजनेस रिस्क एंड इट्स वेरियस टाइप्स आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन इनमेट द मेजर रीजंस फॉर द गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन इन बिजनेस स्टेट द मेरिट्स एंड डी मैरिट्स ऑफ गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन इन बिजनेस यहाँ पर दो क्वेश्चन हमने ऐड किए हैं कई बार ये एक क्वेश्चन में भी पूछा जाता है तो आप इसके लिए प्रिपेयर कर लीजिएगा एक क्वेश्चन और जो बनता है वो गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन को लेकर के वो ये है कि वाई इट इज नेसेसरी फॉर गवर्नमेंट टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन बिजनेस तो यहाँ पर आपको रीजंस ही लिखने हैं लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो जाता है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है वट यू मीन बाय पार्टनरशिप इन्यूमिरेट द मेन फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चन नंबर सेवनटीन है वट इज मींट बाय पब्लिक यूटिलिटीज डिस्क्राइब द डिस्टिंगटिव फीचर्स ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज पब्लिक यूटिलिटी को लेकर के शॉर्ट नोट भी पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर एटीन है वट इज मींट बाय इंश्योरेंस एक्सप्लेन ब्रीफली वेरियस टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर नाइनटीन हाउ डज फॉरेन ट्रेड डिफर फ्रॉम डोमेस्टिक ट्रेड कैन द चेंज ऑफ गवर्नमेंट इन अ पर्टिकुलर कंट्री अफेक्ट इट्स फॉरन ट्रेड एक्सप्लेन करना है यहाँ पर सबसे पहले तो आपसे एक डिफ्रेंसीट पूछ लिया गया है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन में आपको डिफ्रेंसीट करना है फ़ारेन ट्रेड को डोमेस्टिक ट्रेड से ये फाइव मार्क्स का हो गया इसके बाद आपको बताना है कि किस तरीके से किसी भी देश में गवर्नमेंट सरकार के बदलने से फॉरन ट्रेड पर क्या इफेक्ट होता है इसका इसे भी आपको एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन के लिए इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी डिस्कब फरिंग एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एज ए मेथड ऑफ राइजिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंस का एक method है, इसके बेसिस पे आपको इसे डिस्क्राइब करना है क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि शॉर्ट टर्म फाइनेंस होता क्या है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन है एक्सप्लेन द कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेट इट्स मेरिट एंड लिमिटेशन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है आपके सामने डिस्क्राइब द मैथड्स ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल फॉर अ कंपनी कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल को रेज करने के क्या क्या मैथड्स हैं यह आपको बताना है ये भी पूछा जा सकता है डिस्क्राइब लॉन्ग टर्म कैपिटल और किसी भी एक मेथड का मेरिट और डीमेरिट पूछा जा सकता है तो ये आपके पास प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर ये आपको क्वेश्चन पता लगा है तो आपके पास एक एडवांटेज है कि अभी ही आप एक या दो मेथड्स के मेरिट्स और डीमेरिट्स लर्न कर लीजिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री है हाउ डज फॉरेन ट्रेड हेल्प इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री फॉरन ट्रेड किस तरीके से मदद करती है किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और फिर इसके जो इनहेरेंट प्रॉब्लम्स हैं इसे स्टेट करना है कई बार ये जो इनहेरेंट प्रॉब्लम्स हैं फाइव मार्क्स में भी पूछे जाते हैं तो इसके लिए अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके दो दो काम हो जाएंगे एक साथ तो आप टेन के लिए भी इसको पूछा जाता है और फाइव के लिए अगर इंडिविजुअली पूछा जाता है तो वहाँ पर भी आप उसके आंसर ईजिली दे पाएंगे आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर डिसकस वेरियस फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय होलसेलर्स होलसेलर्स जो वेरियस फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं उसे आपको डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव है वट इज़ अ पब्लिक इंटरप्राइज पब्लिक इंटरप्राइज क्या होता है टू मार्क्स के लिए है और इसके बाद है स्टेट द फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अ पब्लिक इंटरप्राइज तो यहाँ पर ये एट मार्क्स के लिए हो जाता है और इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव है वो टेन मार्क्स के लिए पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स स्टॉक एक्सचेंज इज अ बैरोमीटर ऑफ द इकोनॉमिक एंड बिजनेस कंडीशंस इन अ कंट्री इसे आपको डिस्कस करना है ये जो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स है मैंने इसलिए दिया है ताकि आप समझ जाएं कि आपके जो क्वेश्चन पेपर में एक स्टेटमेंट भी दिया जा सकता है जिसे डिस्कस करने के लिए कहा जाए तो अगर आप मेन कॉन्सेप्ट को जानते हैं तो उस स्टेटमेंट को डिस्कस करना आपके लिए ईजी होगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन है अब डिस्कस द रोल ऑफ इंटरप्रिन्योर इन अ बिजनेस प्रमोशन आउटलाइन द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटरप्रिन्योर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट है व्हाट इज मीन्ड बाय ट्रेड डिस्क्राइब ब्रीफली डिफरेंट एड्स टू ट्रेड एक क्वेश्चन मैं और आपको बता देती हूँ डिफरेंट टाइप के बैंक अकाउंट्स होते हैं ठीक है ना तो आपको उन बैंक अकाउंट्स के नाम पता होने चाहिए और थोड़ा सा उनका एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए साथ ही आपको पता होना चाहिए किसी भी एक टाइप के बैंक अकाउंट को ओपन कराने का क्या प्रोसीजर होता है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर लगते हैं इस तरीके का भी क्वेश्चन एक बार आपके एग्जाम में पूछा गया था तो यही था आज का वीडियो जहां पर हमने देखा ई सीओ जीरो जीरो वन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप डिस्टिंग और शॉर्ट नोट्स को भी जरूर प्रिपेयर कीजिएगा और इसके बाद जो हमने क्वेश्चन ट्वेंटी एट क्वेश्चन आपको दिए हैं इन क्वेश्चन को भी आप प्रिपेयर करें ताकि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें तब तक के लिए लिस्टेट्यून जय हिंद जय भारत